नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में आज कोरोना के 23 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 929। जांच को गए 730 सैंपल्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के निवेश और टर्नओवर को बढ़ाने की दी मंजूरी। 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50 से 83 फीसदी तक मिलेगी ज्यादा कीमत। बढ़ते संक्रमण के बीच रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों में हुआ बदलाव। नैनीताल रेड तो उधम सिंह नगर ग्रीन जोन में आया। एक कैबिनेट मंत्री के पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री और चिकित्सक हुए होम क्वारंटीन। और ट्रेनें चलाने की सहमति मिलने पर उत्तराखंड से भी 3 ट्रेनों का शुरू हुआ संचालन। देहरादून रेलवे स्टेशन से आज सुबह 5 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुई जन शताब्दी एक्सप्रेस। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित मामले मिले हैं। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज भी प्रदेश में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 929 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 720 हो गई है। आज 993 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 730 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रशासन के अनुसार राज्य में अब तक 38 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा देहरादून में 16, हरिद्वार में 15, उधम सिंह नगर में 3, पौड़ी और टिहरी में 2-2 कंटेनमेंट जोन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, किसानों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और विस्तार दिया है। सूक्ष्म उद्योगों में 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर वाले उद्योग अब छोटे उद्योगों के अंतर्गत आएंगे। वहीं 20 करोड़ रुपए निवेश और 250 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले उद्योग मध्यम उद्योग की श्रेणी में आएंगे। एमएसएमई के निर्यात का टर्नओवर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इससे नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एमएसएमई के लिए इक्विटी स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। सरकार ने 4000 करोड़ रुपए के डिस्ट्रेस फंड को मंजूरी दी। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की थी, वो 10 करोड़ की हुई है, और जो टर्नओवर 2 करोड़ का था वो अब 50 करोड़ का हुआ है, यानी 25 गुना बढ़ा है। जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी, इक्विपमेंट में, वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी। जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई, और जो टर्नओवर था जो 100 करोड़ हुआ था वो 250 करोड़ रुपए हो गया। कि चाहे माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, वो जितना एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 14 फसलों की एमएसपी भी कैबिनेट ने तय की है। 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50 से 83 फीसदी ज्यादा कीमत मिलेगी। खेती से जुड़े काम के लिए 3 लाख तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि ये किसानों के लिए काफी राहत भरा फैसला है। इस तारीख तक लोन चुकाने पर किसान को 4% ब्याज पर ही कर्ज मिलेगा। सरकार ने एक निर्णय किया था कि किसान को उसके उत्पादन में लागत का कम से कम 50% मुनाफा मिलना चाहिए। फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो रिकमेंडेशन है 14 फसलों के लिए वो आ गई हैं, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचाराधीन थी और आज मंत्रिपरिषद ने उनको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जैसे धान को देखेंगे तो लागत का 50% अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 1868 यह घोषित की गई है। इसी प्रकार से ज्वार हाइब्रिड को देखेंगे तो यह इसमें भी 50% मुनाफा हो, इस दृष्टि से 2620 घोषित की गई है।
कुल मिला के अगर समय पर किसान अपना फसली ऋण चुकाने में सफल होता है तो किसान को 4% ब्याज पर कर्ज मिलता है। पहले चरण में 31 मई तक उनको छूट दी थी कि वो अपना पैसा जमा कर दें। किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने विमानों में यात्रा करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जो कि 3 जून से प्रभावी होगी। इसके तहत एयरलाइंस को सीट की क्षमता और पैसेंजर लोड को देखते हुए मध्य की एक सीट को खाली रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों के यात्रा करने पर उन्हें क्रमवार सीट उपलब्ध कराई जा सकती है। जरूरत पड़ने या यात्रियों के लोड होने पर यात्री लगातार क्रम में बैठे हों तो मध्य सीट के यात्री को सुरक्षा गाउन दिया जाएगा। सभी यात्रियों को फेस शील्ड और 3 लेयर फेस मास्क देना अनिवार्य होगा। आज शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कल एक कैबिनेट मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने एहतियात के तौर पर होम क्वारंटीन में रहने का निर्णय ले लिया था। उन्होंने बताया कि आज हम सभी मंत्रियों ने जो कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे होम क्वारंटीन में रहने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करते हुए शासन से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसका पालन किया जाएगा। जिस प्रकार की भारत सरकार की गाइडलाइन होगी, जिस प्रकार का उत्तराखंड सरकार के शासन की गाइडलाइन होगी, उनके अनुसार हम उसके बाद उसका जो भी निर्णय होगा उसको फॉलो करें। आज अपने आप को हमने क्वारंटीन किया हुआ है, लेकिन अभी तक संभवतः निर्णय नहीं आया है। जो निर्णय प्रशासन का आएगा उसका हम अक्सर से पालन करेंगे। वहीं कोरोनेशन अस्पताल की मुख्य अधीक्षक डॉक्टर भागीरथी जंगपांगी ने बताया कि एक कैबिनेट मंत्री के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गए डॉक्टरों की टीम को भी होम क्वारंटीन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूटीन चेकअप के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम कैबिनेट मंत्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण करती है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी नहीं थी। 5 लोगों की टीम उनके आवास पर गई थी, इसलिए सावधानी के तौर पर सभी को होम क्वारंटीन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सभी का सैंपल भी लिया जा रहा है। मंत्री जी ने बुलाया था उनको, ये डॉक्टर का और 2 फार्मासिस्ट है, वो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। तो उस समय पता ही नहीं था कि नेगेटिव पॉजिटिव है, तो हमने जो है अभी लेटर बनाया उनको, क्वारंटीन करेंगे हम, होम क्वारंटीन 14 डेज पर, और उनके सैंपल भी भिजवाएंगे कल। 3 डॉक्टर्स थे और 2 फार्मासिस्ट, 1 वार्ड बॉय, 5 लोगों की टीम गई थी अपनी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में। राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की एक बार फिर से समीक्षा की है। अब नैनीताल ऑरेंज जोन से रेड जोन में आ गया है। वहीं उधमसिंह नगर सैंपलिंग, संक्रमण दर और एक्टिव केस में सुधार करके ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आ गया है। राज्य के बाकी सभी 11 जिले अभी भी ऑरेंज जोन में ही हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की तरफ से जारी जोनिंग आदेश में कहा गया है कि रविवार को 2 बजे तक जारी कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के अनुसार जिलों का विश्लेषण किया गया। मुख्य सचिव ने बताया कि रेड जोन के जिले में व्यावसायिक गतिविधियां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही संचालित की जाएंगी। जिले से बाहर जाने के लिए पास अनिवार्य होगा। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने और ले जाने के अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेंगे। बाकी के ऑरेंज और ग्रीन जोन में गतिविधियां पहले की तरह ही संचालित रहेंगी। कोरोना महामारी के 5वें चरण में राहत देते हुए रेलवे ने देश भर में 200 ट्रेन चलाने का निर्णय लिया था, जो आज से लागू हो गया है। उत्तराखंड से 3 ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, जिनमें देहरादून से नई दिल्ली, देहरादून से काठगोदाम और हरिद्वार से अमृतसर के बीच ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। इसी के तहत देहरादून रेलवे स्टेशन से आज सुबह 5 बजे देहरादून से नई दिल्ली के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस रवाना हुई। बताते चले कि रेल मंत्रालय ने 22 मई से देशभर में कहीं भी जाने के लिए टिकट बुकिंग करने की सुविधा दी है। देहरादून स्टेशन के अधीक्षक गणेश चंद्र ठाकुर ने बताया कि तकरीबन 2.25 महीने के बाद देहरादून स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों का संचालन संभव हुआ है।
उन्होंने कहा कि आज 415 यात्री देहरादून से नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस में गए, जबकि 490 लोगों ने टिकट बुक कराए थे। इस दौरान सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सैनिटाइज किया गया और टिकट चेकिंग के बाद ही उचित दूरी को ध्यान में रखकर ट्रेन में सीट दी गई। ये देहरादून स्टेशन से और मुरादाबाद डिवीजन की पहली ट्रेन जो है वो देहरादून नई दिल्ली जनशताब्दी जो है वो देहरादून से सुबह 5 बजे यहाँ से चलाई गई है। तो जो देहरादून से बुकिंग थी वो 490 की बुकिंग थी और इसके अगेंस्ट में लगभग 415 लोगों ने यहाँ से बोर्ड किया है। तो जो भी लोग यहाँ पे पहुँचे थे लगभग 3 बजे से लोग आना स्टार्ट हो गए थे, तो उसी टाइम से हमने इसकी थर्मल स्कैनिंग और टिकट चेकिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनको स्टेशन पे जो है वो बिठाया गया। ये गाड़ी जो है ये रोजाना चलेगी। लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों को आज एक्सप्रेस ट्रेन चलने से काफी राहत मिली। अपने घरों में जाने की खुशी लोगों में साफ दिखाई दी। सबसे पहले मैंने IRCTC के थ्रू यहाँ पे जनशताब्दी में मैंने टिकट बुक करवाया था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो व्यवस्था मैंने देखी है वो बहुत अच्छा है। सब जगह थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है। फिर उसके बाद पुलिस फोर्स भी है जो कि हेल्प कर रहे हैं सबको। जहाँ जहाँ पे बॉगी है उनके थ्रू उनको पहुँचाया जा रहा है। ये चीज़ सही है। मैं तो यही बोलूँगा कि कोई भी आदमी अभी ट्रैवल करते हैं तो मास्क ले करके सैनिटाइजर हाथ में लगा करके ट्रैवल करें। आपको बता दें कि ये ट्रेन हर दिन देहरादून से नई दिल्ली और नई दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होगी। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कुछ राहत भरी खबरें भी सामने आ रही हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से कोरोना वायरस संक्रमित 65 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए हैं। ये सभी कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर जिले के निवासी हैं, जो हाल ही में मुंबई से ट्रेन के जरिए उत्तराखंड आए थे। इन सभी लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ था, जिसमें पॉजिटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में COVID-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि सभी स्वस्थ होकर घर जा रहे लोगों को एक सप्ताह तक होम क्वारंटीन की सलाह दी गई है। 65 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है, मुख्यतः बागेश्वर के हैं जिसमें से 28, अल्मोड़ा के 25 और कुछ मरीज जो है ये उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और नैनीताल के भी हैं और चंपावत के 7 मरीज हैं जिसमें से। और इन मरीजों का सैंपल जो है 21 तारीख को लिया गया था और इनको 10 दिन सैंपल लेने के बाद 10 दिन पूरे हो चुके हैं। नई डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। ये क्लिनिकली स्टेबल पेशेंट्स हैं, पिछले 3 दिनों से इनको कोई सिम्टम्स नहीं है। इनको डिस्चार्ज करके इनके घरों में 7 दिन उनको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। आज डिस्चार्ज हुए लोग बेहद खुश थे और उन्होंने अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर, स्टाफ और नर्सेस का धन्यवाद भी दिया। विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से खोल दी गई है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अधिकारियों ने बताया कि फूलों की घाटी को खोल दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण पर्यटक इसका दीदार अभी नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद ही पर्यटकों को फूलों की घाटी में जाने की अनुमति दी जाएगी। फूलों की घाटी के करीब 2 किलोमीटर तक बर्फ हटाने के बाद फूलों का खिलना शुरू हो गया है। यहां उच्च हिमालयी चोटियां बर्फ से आच्छादित हैं और घाटी की तलहटी में फूलों की कतार लगी हुई है। हालांकि अभी सिर्फ एनीमोन और प्रिमला जाति के पुष्प ही खिले हैं। जो हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का ओपनिंग की डेट है वो 1 जून होती है। जो हमारा रास्ते होते हैं उनमें हम उनका प्रयोग हम गश्त और निगरानी रखने के लिए भी करते हैं, तो इसलिए हम अपने सारे मार्ग को सुचारू कर रहे हैं। फूलों की घाटी के भ्रमण के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों को सबसे उपयुक्त माना जाता है। सीजन में यहां 500 से अधिक प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, जिसमें जापान का राष्ट्रीय पुष्प बुलू पापी और उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल भी शामिल है। फूलों की घाटी की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर पिछले वर्ष जो है रिकॉर्ड संख्या में यहाँ पर पर्यटक आए थे, चाहे वो देशी पर्यटक हों या विदेशी पर्यटक। इस बार 1 जून 2020 से फूलों की घाटी खोल दी गई है, परंतु लॉकडाउन के कारण अभी यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही बंद है। जो ही नई गाइडलाइंस प्राप्त होंगी इसमें पर्यटकों की आवाजाही जो है सुचारू कर दी जाएगी। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज कोरोना के 23 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 929। जांच को गए 730 सैंपल की रिपोर्ट आई नेगेटिव।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के निवेश और टर्नओवर को बढ़ाने की दी मंजूरी। 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50 से 83 फीसदी तक मिलेगी ज्यादा कीमत। बढ़ते संक्रमण के बीच रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों में हुआ बदलाव। नैनीताल रेड तो उधमसिंह नगर ग्रीन जोन में आया। एक कैबिनेट मंत्री के पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री और चिकित्सक हुए होम क्वारंटीन। और ट्रेनें चलाने की सहमति मिलने पर उत्तराखंड से भी 3 ट्रेनों का शुरू हुआ संचालन। देहरादून रेलवे स्टेशन से आज सुबह 5 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुई जन शताब्दी एक्सप्रेस। आज के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।